Good morning from Sonmark. I am Devendra. I am Vanita. And you are watching my YouTube channel Wandering Birds. तो आज का डे सिक्स है और हम लोग सोनमर्ग से निकले हैं लेह के लिए. तो अभी बाहर बारिश हो रही है तो थोड़ा ब्रेक लिया है. तो अभी देखते हैं, बारिश अगर रुकती है तो निकलेंगे तुरंत. और अभी पैकिंग वगैरह हो चुका है, सब सामान हमारा रेडी है, टॉप बॉक्स रेडी है और यहाँ पे कहाँ गए पीछे सैडल बैग्स वगैरह आप देख सकते हो वो रेडी है. तो अभी रेन गेयर्स वगैरह पहन लेंगे, नीचे के सैडल बैग्स लगाने हैं, लेकिन बारिश के वजह से थोड़ा वेट करना पड़ रहा है. तो जैसे ही बारिश ख़त्म होती है हम लोग निकलेंगे यहाँ से और फिर मिलते हैं आपको. अभी हम लोग सोनमर्ग से निकल रहे लेह के लिए. तो निकलते निकलते हमारे छोटे सब्सक्राइबर मिल गए. क्या नाम है आपका? सैफुल्ला. और आपका? जोहरा. बहुत ही क्यूट है बच्चे यार, बहुत ही प्यारे. जब से राइड पे निकला हूँ ना, ऐसे बच्चे ही मिल रहे हैं और इतना मजा आ रहा है उनसे बात करके ना. थैंक यू. बाय बाय. तो यहाँ से ले कुछ 341 किलोमीटर है और द्रास 58. तो पहला हमारा हॉल्ट टारगेट रहेगा 58 किलोमीटर द्रास. ये सब पेवर ब्लॉक के रोड जो बना है ना, इस पे गाड़ी थोड़ी सी हिल रही है, बट ठीक है, चढ़ रही है. वैसे गाड़ी का स्पीड वैसे कितना है, 30-40 तक चल रही है और मैं इसे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, जो उसके हिसाब से चल रही है चलने दो. और वो चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे रही है. तो अभी हम जा रहे हैं जोजिला की तरफ. नीचे यहाँ पे राइट साइड कैंप लगे हैं अमरनाथ के. ये खूबसूरत नज़ारे, पहाड़, स्नो और ये थोड़ी ऑफ रोडिंग तो है और इसमें ये गाड़ी मेरी आराम से चल रही है. इसका परफॉर्मेंस आप ये देख सकते हो. और मैं ये सोलो, मतलब मैं अकेले नहीं चला रहा हूँ, ये मेरे साथ मेरी वाइफ वनिता भी है. हम दोनों निकले इस लद्दाख जर्नी पे. जर्नी है हमारी मुंबई से स्टार्ट हुई थी, मुंबई तक जाके रुकेगी. और इस जर्नी में हमें बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले. जहाँ मैं सोनमर्ग में रुका था वहाँ गुजरात से और नागपुर से और उसके बाद विरार से फोर व्हीलर लेके इस जर्नी पे निकले हैं. तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपको तो एक फ़ोन कर देना, हम आपको उधर लेने के लिए आ जाएंगे. और क्या चाहिए लाइफ में, ऐसे अगर सपोर्ट और ऐसे बैकअप होगा तो अरे ये जर्नी तो एकदम स्मूथ. और मैं कहूँगा कि ये जर्नी इतनी आसान है, इसमें तो चैलेंजेस आने ही वाले हैं, बट हम उसे चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर है. कुछ भी हो हार नहीं मानेंगे. इस जर्नी में वैसे हमारा नुकसान तो बहुत हुआ है स्टार्टिंग में, क्योंकि जो ब्लॉग रिकॉर्ड किए थे, जो कॉपी किए थे हमने हार्ड डिस्क के अंदर, वो क्रैश हो गई. तो अब वो डेटा अभी रिकॉर्ड करूँगा, उसके बाद ही वो ब्लॉग्स अपलोड होंगे. तो अभी जो डे वन के ब्लॉग है उसके बाद से ये सीधा अभी डे सिक्स का ब्लॉग शायद अपलोड होगा. उसके बाद GoPro का माइक ख़राब हो गया, उसके बाद पे इंटरकॉम फिक्स होता है वो क्लिप टूट गई, ऐसे बहुत सारे कुछ ना कुछ इशूज़ आ रहे हैं. बट स्टिल हमारी जर्नी रुकेगी नहीं, हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे. बस आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए. वहाँ से जाना चाहिए. इतने खूबसूरत हर टर्निंग पे नज़ारे मिल रहे हैं कि ऐसे हो रहा है कि क्या शूट करूं और क्या नहीं. थोड़ा GoPro बंद करता हूँ तो आगे कुछ और नया आ जाता है, लेकिन अगर कंटिन्यू शूट करूँगा तो उतना दिखा नहीं पाऊँगा मैं, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा. अभी तक की जर्नी में दोनों एकदम हेल्दी और फाइन है, अभी तक कोई इशू नहीं, ना गाड़ी में ना हमारे बॉडी में. क्या ये पहाड़ है यार, बीच में से जो ब्रो ने BRO प्यार से उसे मैं ब्रो ही बुलाता हूँ, रास्ते बनाए हैं ना इन पहाड़ों को काट के, मानना पड़ेगा यार इनके मेहनत को. आई लव जोजिला. ओ जोजिला पहुँच गए हैं इसी तरह. और ये रहा हमारा जोजिला, ये ना. हाँ हाँ, अरे थैंक यू. आ गया, ये आया ना. अरे ज़रूर आ जाओ. आपको बैठ के लेना है? अच्छा, आ जाओ. बैठ जाओ. बैठ जाओ. कोई नहीं होगा, कोई गद नहीं, अच्छी बात है. आपको बैठना है? आप यहाँ खड़े हो जाओ, इसे हाँ इसे खड़े हो जाओ. आप इसमें भी आ रहे हो. कारगिल यहाँ से 96 किलोमीटर है और लेह 326 और
थैंक्स फॉर योर विजिट, यू आर एट जोजिला एल्टीट्यूड 11,649. थैंक यू BRO फॉर मेकिंग सच अ वंडरफुल रूट. Fearless 55, the day daring do 762, always victorious Vijaya. वो कौन ऊपर इतने स्नो में ऊपर चढ़ के जा रहा है यार, आज लगता नहीं हम ले पहुँचेंगे ऐसे रुकते रहेंगे तो. जिस तरीके से हम चल रहे हैं, कारगिल हॉल्ट लेना पड़ेगा या लामायूरू, मुझे लगता है वो बेटर रहेगा, है ना, ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेस ना दे. विजयक जोजिलापा 0. एल्टीट्यूड 11,649 फीट. तो ये भाई भी मुंबई से आए हैं, दिल्ली. अच्छा आप दिल्ली से हो और आप सिर्फ, अच्छा आप मुंबई से हो, तो ओ तो चलो यार इस जर्नी पे ना मुझे सब स्टेट से लोग मिल रहे हैं, तो मुंबई से मिलते तो यार बहुत अच्छा लगता है, फैमिली ऐसे फील जैसे आता है. और आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा यार, दिल्ली वालों बहुत 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 अच्छे हैं यार वैसे. हाँ नहीं नहीं बदनाम नहीं है वैसे, कहते ही है ना दिल वालों की दिल्ली. हाँ तो फिर चलो हैप्पी जर्नी सब, आपको भी सही सलामत जाना और मुंबई में सही सलामत आना. थैंक यू सर, थैंक यू. चलो यार निकलते हैं, बहुत लेट हो रहा है. सो अभी हम ये पहुँचे हैं लद्दाख के रीजन में, तो ये है हमारी बॉर्डर लद्दाख की और वेलकम. अब यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे एंट्री करनी है, तो चलो यहाँ एंट्री करेंगे. कैसे हो सर जी? अभी पेट्रोल फिलअप करने रुके थे और पेट्रोल हुआ है 2.85 लीटर ही बैठा है और 286.85. अगर आप श्रीनगर से आ रहे हो तो सोनमर्ग के पहले 13 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप है, वो उसका लास्ट पेट्रोल है. उसके बाद आपको सीधा द्रास में पेट्रोल मिलेगा और वो भी लगभग 64 किलोमीटर के बाद आपको पेट्रोल पंप मिलेगा. एक्चुअली मैं GoPro से ब्लॉग इसीलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये वाटरप्रूफ तो है, बट ये मुझे आगे पूरे जर्नी में इसका यूज होने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि डैमेज हो जाए कहीं, कि बारिश बहुत आ रही थी तो इसीलिए मैंने बंद किया था. तो जहाँ पॉसिबल होगा मैं बीच बीच में GoPro ऑन करके फुटेज लूँगा या फिर अपने कैमरे से ही रिकॉर्ड करूँगा. तो चलते हैं, अभी हम कारगिल सीधा रुकेंगे जाके. अगर आप कारगिल वॉर मेमोरियल विजिट करने जा रहे हो तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, अंदर पानी अलाउड नहीं है, कोई बैग अलाउड नहीं है और ना ही आपका हेलमेट. तो जब भी आप आओगे तो पार्किंग वाले के पास रख दो या फिर आप होटल जहाँ आजू बाजू है यहाँ पे जो नाश्ता कर रहे हो वहाँ रख देना और उसके बाद ही आप अंदर जाना, ठीक है. तो कारगिल वॉर मेमोरियल विजिट करके हो गया, अंदर का शूट मैंने किया नहीं, मतलब एक तो नॉर्मल एक ये लिया. एक्चुअली मन नहीं कर रहा था अंदर कुछ शूट करे ऐसे. चलो अभी आगे हम सीधा यहाँ से लेह के लिए निकलेंगे, तो कितना टाइम लगेगा मुझे भी नहीं पता, बट आज का टारगेट तो लेह है. अगर लेट भी हो गया तो देखेंगे, जो भी है अपडेट करते रहेंगे. चलो सी यू, बाय. चलो अभी निकलते कारगिल वॉर मेमोरियल से. कारगिल्स वहाँ जाने के बाद ना मतलब अलग वाइब्स है यार, मतलब थोड़ा इमोशनल होने हो जाता है वहाँ पे. तो मैं ऐसे सिचुएशन पे ब्लॉग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझसे नहीं होता वो चीज़. मुझे जो कारगिल वॉर मेमोरियल देखना था मैंने देख लिया अच्छे से. अगर आपको इसका एक्सपीरियंस लेना है ना इस जगह के वाइब्स का, तो ये ब्लॉग में आपको नहीं समझेगा, उधर आके जाना पड़ेगा, तब जाके आपको वो रियलाइज़ होगा कि क्या सेक्रीफाइस किया है इन्होंने हमारे लिए, इस देश के लिए. बारिश तो बीच बीच में एकदम हल्की हल्की सी हो रही है, मतलब ना के बराबर ही है, तो फिर भी हमने रेन गियर्स पहने हुए हैं ताकि पहले से प्रिपेयर रहे, यानी तो फिर रुक के पहनो उसमें ही टाइम चला जाता है यार. और इससे एक फ़ायदा है, जो विंड आ रही है ना उससे भी बच सकते हैं, तो ठंड इतनी नहीं लग रही है, तो अच्छा है मौसम, क्लाइमेट भी अच्छा है यहाँ पे. आज थोड़ी बीच बीच में धूप भी आ रही है. और यार यहाँ के जो माउंटेंस है ना यार, मतलब हर एक में डिफरेंट डिफरेंट, देखो कलर शेड देखो,
यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ पे ब्राउन बीच में ग्रीन ब्लू ब्लूइश शेड जैसे आया है, पीछे ब्लैक है मतलब। और ये वाटरफॉल, और क्या चाहिए लाइफ में, मैं तो सोचता हूँ यही सेटल हो जाओ यार, क्या सोचते हो वनीता? ठंड बहुत है। और यहाँ से ले जो है 274 है और कारगिल 44। तो पहले अभी कारगिल पहुँचेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वहाँ से कितना जाना है। तो अभी वैसे टाइम हुआ है 2:20। यहाँ की जगह ही इतनी खूबसूरत है ना कि आप कितना भी जी भर के इसको रिकॉर्ड कर लो और क्या फ़ोटोज़ ले लो, आपको ऐसे लगेगा कि यार कम ही है यार, और लेते रहेंगे और लेते रहो और लेते रहो, मन नहीं भरेगा आपका कभी फ़ोटो से। हाँ, डेटा ज़रूर भर जाएगा, और उसी डेटा को बचाने के लिए हम बीच बीच में शूट कर रहे हैं, बाकी हम उसका मज़ा पूरा उठा रहे हैं। कुछ चीज़ें रखनी भी चाहिए ना बचा के, ताकि आप यहाँ ये देखने के बाद आप यहाँ आके खुद देखो सब कुछ। अगर मैं व्लॉग में दिखा दूँ तो फिर क्या मज़ा। बचपन में ऐसे ना ड्राइंग करने बोलते थे तो एक कॉमन ड्राइंग होता था, ऐसे दो पहाड़ निकालो, फिर उसमें से एक नदी निकालो और एक घर निकालते थे। इसमें अभी घर नहीं है, बस ये रोड है। बहुत बड़े पहाड़ है यार, ऊंचे ऊंचे, ऐसे लगता है कि बहुत पास में है बट है नहीं। अगर वहाँ कोई आदमी भी खड़ा हो तो दिखेगा भी नहीं वो तो यार। स्लो स्टडी एंड कम्प्लीट्स द जर्नी परफेक्ट। हम भी वैसे ही जा रहे हैं, स्लो स्टडी एंड कम्प्लीट अवज्जा नहीं। हम बहुत लोगों को यहाँ आते वक्त ना प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं हेल्थ रिलेटेड, और यहाँ आने के बाद बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ठंड के वजह से ना पानी बहुत कम पीते हैं, क्योंकि यार ठंडा पानी कौन पिएगा, गला बैठ जाएगा। गला बैठ गया तो वो ठीक हो जाएगा, बट अगर पानी नहीं पीने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होंगे उसे कैसे आप सॉल्व करोगे यहाँ पर? तो यहाँ जब तक हो पहाड़ों में तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पानी बहुत पीना है, उसके बाद डाइमॉक्स टैबलेट। एक्चुअली डाइमॉक्स टैबलेट मेरे हिसाब से तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले, ऐसे नहीं है कि आप यूट्यूब पे या ब्लॉग्स में या मैंने बता दिया कि अरे यार नहीं हर दिन आपको लेनी है, नहीं। हर एक की हेल्थ अलग होती है, पता नहीं किसको कैसे वो रिएक्ट करे, तो वो भी आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, मेडिसिन आपको क्या कैरी करने हैं उस हिसाब से फिर वो आपको प्रिस्क्राइब करके दे देंगे कि कैसे लेनी है। और बाकी जो है AMS और इसके, वो एक्चुअली इसी चीज़ों के वजह से होता है कि आप प्रॉपर नींद नहीं लेते, यहाँ आने के बाद पानी नहीं पी रहे हो, या फिर यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हो खुद को अपने बॉडी को, तो उस वजह से भी ये दिक्कतें हो सकती है। तो इसे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आपको अगर बॉडी में दिख रहे हैं कि जैसे कि सर दर्द हो रहा है, नौशिया जैसे फीलिंग्स हो रही है, तो आप उसे इग्नोर ना करें एटलीस्ट ये रीज़न में, तो कि यार चल कुछ नहीं बात है यार हो जाएगा, ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाद में अगर बड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहेगी। तो इसीलिए जब भी आप पहाड़ों में यार यहाँ आ जाओ तो अपने हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखना। कारगिल, अच्छा इसका एंट्री है, चलो यार दे देते हैं। यहाँ का लोकल म्यूनसिपल टैक्स है 20 रुपीज़ एंट्री फी। 136 किलोमीटर के बाद ये दूसरा पेट्रोल पंप और ये तीसरा। अच्छा दो पॉइंट है अभी भी, तो वैसे ज़रूरत नहीं है। ये बाईपास है क्या? पूछ लेता हूँ एक बार। ले जंस्कार कारगिल टाउन, ये टाउन की तरफ जाता है और ये बाईपास है। ले सीधा ना, थैंक यू। हाँ ये भी बाईपास है, मुझे जहाँ तक याद था लास्ट टाइम मैं आया था तभी। और ये ब्रिज ये चीज़ याद थी मुझे, क्योंकि वो टाउन के हम बाहर से गए थे और वो सीधा टाउन के अंदर जाता है। और ये है कारगिल टाउन। शार्प टर्न है बहुत, तो थोड़ा ध्यान रख के लेना चाहिए। पीछे एक तो लोड है ना, सैडल बैग स्टॉप बॉक्स, उस वजह से थोड़ा सा इनबैलेंस होने का चांसेस होता है ऐसे टर्निंग पे, क्योंकि आप ज़्यादा अगर
लीन करके चला रहे हो तो हो सके उतना स्टेडी एंड स्टेबल चलाओ, सीधे अननेसेसरी कर्व्स पे लीन होके चलाने की ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी फर्स्ट, राइड का मज़ा लेना चाहिए। लद्दाख यूँ ही नहीं खूबसूरत है, इसके बहुत बहुत अलग अलग रंग है। जब तक आप खुद आओगे नहीं तब तक आपको ये तब पता नहीं चलेगा। यहाँ से कुछ मूलबेग 28 किलोमीटर है और अभी जो डेस्टिनेशन टाइम जो हमारा दिखा रहा है वो है लगभग कुछ 8:08 के करीब ले पहुँचने का, और दो पासिस कवर्स करने हैं हमें, तो देखते हैं कितना वक्त लगेगा। मतलब मैं हर बार कह रहा हूँ कि आप रोड देखो कितने खूबसूरत है। राइडर्स देखिए, इतनी खूबसूरत जगह है तो उसे खूबसूरत नहीं तो और क्या कहे, जन्नत है यार जन्नत। ये वाला रूट चूज़ करने का एक रीज़न ये था कि श्रीनगर, उसके बाद सोनमर्ग, कारगिल, उसके बाद आप क्या ले, ये जो हाइट है वो स्लोली स्लोली इंक्रीज़ होते जाती है। और आप मनाली से जाते हो तो आप मनाली से सीधा 3000 फीट ऊपर आप चलते हो, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। अगर जो कोई फर्स्ट टाइम राइड कर रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए ये फर्स्ट टाइमर्स इसके लिए ये वाला रूट मैंने सिलेक्ट किया था ताकि कोई हेल्थ पे प्रॉब्लम ना हो, हम बॉडी एक्लिमेटाइजेशन जो है वो आराम आराम से होते रहे। और यस, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट एंड फाइन। लद्दाख में स्कूटर चलते हैं यार, लोगों का ऐसा एक माइंड सेट हो गया है ना कि स्कूटर नहीं चलते लद्दाख में, सिर्फ बाइक चलते हैं। ये रही स्कूटर, ये तो लोकल है और ये महाराष्ट्र से है और अभी तक चल रही है। बस आप में ज़िद होनी चाहिए और आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर अपने आप पे भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बने रहे हमारे साथ ये एडवेंचर जर्नी देखने के लिए। अभी हमें दो पास क्रॉस कर रहे हैं, ये नमिकला और फोटुला। तो नमिकला अभी 15 किलोमीटर है। क्या नेचुरल रॉक कट्स हुए हैं यहाँ पे, और ये बहुत खूबसूरत भी दिख रहे हैं, ये ऐसे नहीं कि बहुत अजीब, इनकी एक अलग खूबसूरती है खुद में, बस वो देखने की नज़र चाहिए। ऊपर एक मॉनेस्ट्री है, उसे कहते हैं मूलबेग मॉनेस्ट्री, और नीचे हमारा तिरंगा। कितने पहाड़ों के ऊपर बनाए यार मॉनेस्ट्रीज। ले हाईवे पे आप अगर आ रहे हो और कभी बाई चांस लेट हो जाए तो बीच में बहुत सारे होम स्टेज है, वैसे छोटे छोटे गाँव में भी हैं, तो आप रुक सकते हो। ऐसे नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। पेट्रोल पम्प्स भी है वैसे 60 किलोमीटर्स 80 किलोमीटर्स के रेडियस में ही है एक दूसरे के, तो आपको लेह तक तो पेट्रोल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्कूटर भी लेके आ रहे हो। फिर भी बाइकर्स लोग के लिए तो आसान हो जाता है क्योंकि एक बार फुल करो आप क्रॉस कर लेते हो यार आराम से। वाह, पूरा इतना स्पीड में आके ऐसे ब्रेक दबाते गया है वो कि ब्रेक के लाइनर तो सुसाइड ही कर लिया होगा। ये जो राइट साइड पहाड़ है ना उसे नज़र नहीं हट रही मेरी। अरे वाह, उसमें से बीच में से पूरा एक रिवर भी है, मैं सूख गया वैसे। सेकंड टॉप करने के पहले सोचा पेट्रोल फिल कर लेते हैं, और फुल कर दो। बस हो गया रहने दो, बस यार वेस्ट बहुत हो जाता है पेट्रोल। कैसे हो? हम लद्दाख जा रहे हैं। हाँ अभी ले जाएंगे यहाँ से 238 छुट्टा नहीं है। इस तरह हम पहुँच गए नमिकला। आते आते गोप्रो की बैटरी ड्रेन हो गई, तो यार चलो फोटो लेते एक नमिकला के साथ, फिर निकलेंगे। नमिकला उधर वहाँ ले लेते, ये बात नहीं, यहाँ फोटो ले लेंगे नमिकला के साथ। फोटो कड़ा कौन दे सांगायला पाहिजे।
हाँ मुंबई, हाँ प्रॉपर मुंबई, थोड़ा इस हाँ स्कूटी, हाँ प्रॉपर, हाँ बस ये छठवा दिन है, हाँ उदयपुर होके आए, हाँ कहीं पे भी नहीं, नहीं आराम से चढ़ी 40 स्पीड के आराम से, नहीं उतना नहीं, मैंने इस पर ज़्यादा लोड नहीं दिया ना, तो मतलब वो अपने हिसाब से चल रहा, तो 40 तक तो आराम से स्मूथली लिया उसने, हाँ हाँ राइट, तो हाँ ये तो पूरा बेल्ट और उसमें ही है, इसमें गियर ऑयल उसका है अलग से आता है, हाँ पूरा बेल्ट पे चलता है, तो इसके यहाँ आने के पहले उसका पूरा टोटल सर्विसिंग किया है, तो जितना भी कुछ है उसमें सब नया है, तो फ्रेश मोड इसमें है अभी, सो मोड़ासा के पहले थोड़ा डाकोर में रुक गए थे, थोड़ा लेट हो गया था, फिर वहाँ से अजमेर, अजमेर से फिर उधमपुर से पठानकोट किया, फिर पठानकोट से सीधा हम श्रीनगर सोनमक से अभी सीधा मनाली, वाया नीचे अभी देख रहे हैं, अभी तक वो डिसाइड नहीं है, शायद पटा नीचे उतरेंगे तो चंडीगढ़, फिर अमृतसर का थोड़ा प्लान है, हाँ नहीं नहीं जैसे वही आए वैसे राजस्थान से, हाँ हाँ उसी रास्ते से, अच्छा नाइस टू मीट यू, ओह ओके अच्छा, ओह गुड गुड, ओह अच्छा आप वो वाला रूट ले रहे हो, अच्छा गुड यार गुड, चलो सेफ, या सेफ राइड, ॲटिट्यूड नाही लिहिलं कुठं किती आहे तो तिथे काढूया ना एक, गाइज एक फोटो ले सकते हो प्लीज, एक मिनट टर्न लेके आ जाता हूँ, सिर्फ एक यहाँ लेता हूँ फिर निकल रहा हूँ, मुंबई ठाणे डोमिली, फोन देना एक फोटो ले लो प्लीज, बस जो नेक्स्ट पास है फोटूला वो 34 किलोमीटर है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है कवर करने के लिए, थोड़ा लेट पहुंचेंगे लेह में, लगभग 10-10:30 बजे के करीब, स्टे हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, मतलब कि कहाँ स्टे करना है, सो ज़्यादा उसमें सर्च नहीं करना है, लोकेशन हमारे पास है, हम सही वो ही लोकेशन पे सीधा पहुंचेंगे, देखो बुद्धा की मूर्ति, ये बुद्धा खरबू करके कुछ विलेज है, और बहुत ही प्यारी मूर्ति बनाई है यार, ये थोड़ी अलग अंदाज में है, जितने भी अब तक मैंने बुद्धा के स्टैचूज देखे एक सिमिलर होते हैं, जैसे मेडिटेशन करते वक्त ऐसे पीसफुली, बट ये थोड़ा अलग है, पता नहीं मतलब ये ऐसे डिफरेंट क्यों, इसका मतलब क्या होता है कि ये इस बनाने के पीछे, किसी को अगर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दो मुझे भी, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसे राइड करूँ ऐसे कभी देखूँ तो मुझे भी उसे पता रहे मुझे कि क्या एग्जैक्टली वो किस वजह से ऐसे बनाई जाती है। ये पूरी जर्नी में ये सबसे पहला पास हमने कवर किया था जोजिला, उसके बाद हमने किया नमिकला, और अब तीसरा पास हम कवर करने जा रहे हैं वो है फोटूला, बस 1 किलोमीटर है फोटूला पास, और ये हम पहुंच गए, बस थोड़ा ही है वो रहा सामने फोटूला पास, वी कवर 3 पासेस इन 1 डे ऑन एंड टॉक, एक्चुअली ला मीन्स पास होता है, तो उसे अलग से पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सो दिस इज़ फोटूला, ये तो चर क्यों, चलो और ऊपर थोड़ा विंड है तो उसे ठंड लग रही है, तो एक बार नीचे उतर जाएंगे लामायुरु में तो थोड़ा नॉर्मल फील होगा उसे,
फिर वहाँ थोड़ा सूप वगैरह या गर्म कुछ जैसे पी लेंगे तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। आज का एक्चुअली टारगेट था ले, बट थोड़ा लेट हो गया तो, और वेदर भी बहुत चेंज हो गया था और वनिता की थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी ठंड के वजह से, बाकी ऑल फिट एंड फाइन। तो अभी हम लामा में रुके हुए हैं और आज का मेन्यू है चाउमीन एंड टोमेटो सूप। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाद में तो हम लोग रूम भी दिखाएंगे वो भी। हाँ, रूम टूर आपको मैं सुबह दिखा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।